राजनीति में आने के लिए हर कोई बेताब रहता है, शायद ही कोई ऐसा हो जो राजनीति में आने का मौका छोड़ना चाहते हो। ऐसे में ही एक नाम सामने आया है बहुभाषी फिल्म अदाकारा सुमलता का। सुमलता अपने पति के निधन के बाद उनका विजन आगे बढ़ाएंगी। सुमलता कांग्रेस के दिवंगत नेता MH अम्बरीश की विधवा है। वे कहती हैं कि मांड्या के लोगों में अम्बरीश के प्रति बहुत निष्ठा थी और अम्बरीश भी यहां के लोगों के विकास के लिए सदैव चिंतित रहे हैं, इसलिए वे भी मांड्या के लोगों के लिए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय भाग लेंगी। 1963 में चेन्नई के तेलुगु परिवार में जन्म लेने वाली सुमलता ने कम ही उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। 1979 में आंध्र प्रदेश की एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद सुमलता ने 15 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया था। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद उनके फोटो पत्रिकाओं में प्रसारित होने लगे, जिससे फिल्म निर्माता डी रामानाडू ने देखते ही उनके साथ फिल्म बनाने की ठान ली। सुमलता ने थिसाई मारिया परवेगल नाम की तेलुगु फिल्म से अभिनय की शुरुआत करी, जिसके बाद उन्हें बेस्ट न्यू फेस का अवार्ड मिला। अपने अभिनय के करियर में उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मलयालम समेत कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। 1991 में सुमलता ने फिल्म अभिनेता MH अम्बरीश के साथ शादी कर ली। अम्बरीश कांग्रेस पार्टी के अनुभवी और दिग्गज नेता थे। वे 1994 में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। राजनीति में अम्बरीश की शुरुआत भले ही कुछ खास ना रही हो, पर समय के साथ उन्होंने मांड्या के लोगों के बीच एक अच्छे नेता वाली छवि बना ली थी। 2018 में कार्डिक अरेस्ट के कारण अम्बरीश की मृत्यु हो गई। सुमलता ने कहा कि मैं अपने पति के विजन को मांड्या के लिए आगे ले जाना चाहती हूं। मैं निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। अम्बरीश ने लोकसभा में मांड्या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।